मंगलवार की शाम 6 बजे आगरा से दिल्ली जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत बाद गांव के समीप सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला बाद गांव निवासी कहरी जाटव की पत्नी मीरा देवी कंडे लेकर सड़क पार कर रही थी, जिसे रिफाइनरी की तरफ से आ रहे गैस कैप्सूल ने टक्कर मार दी, जिसमें मीरा देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची रिफाइनरी पुलिस ने जाम को खुलवाने के काफी प्रयास किए, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण रिफाइनरी पुलिस के आश्वासन को नहीं माने। हाईवे जाम की सूचना मिलते ही बाद गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने शव को हाईवे पर रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर दिया। जाम इतना बढ़ गया कि बरारी से लेकर नवादा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 बाधित कर दिया गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जाम को खुलवाने काफी प्रयास किए, लेकिन ग्रामीणों ने SDM सदर का आश्वासन लेकर जाम को बमुश्किल खोला, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामे के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के पति कहरी जाटव ने बताया कि शासन प्रशासन के आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो भी किसान हित में योजनाएं होंगी उनका पूर्ण लाभ दिया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि बाद गांव का अंडरपास बहुत ही छोटा है, जिससे कि ग्रामीणों को आए दिन हादसे का शिकार होना पड़ता है। सड़क हादसे में महिला की मौत होने से ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है। प्रशासन की काफी मशक्कत के बाद लगभग 2 घंटे तक बाधित रहे NH2 पर लगे जाम को खुलवाया जा सका। मौके पर SDM सदर क्रांति शेखर, SP सिटी श्रवण कुमार सिंह, CO रिफाइनरी राकेश कुमार यादव, थाना अध्यक्ष रिफाइनरी राकेश यादव सहित सर्किल फोर्स मौके पर मौजूद रही। खत्म हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आपकी वाइफ का क्या नाम है? मीरा। अभी शासन प्रशासन आया हुआ है, क्या आश्वासन उन्होंने आपको दिया है? हाँ जी दिया है। क्या आश्वासन दिया है? दिया है, हम पूरी पूरी सहायता करेंगे जो कुछ बन जाएगा। और भी क्या आश्वासन दिया है? SP सिटी यहाँ CO रिफाइनरी SP सिटी मौके पे हैं, बॉडी को ले जा रहे हैं यहाँ। क्या आश्वासन आपकी तरफ से? ग्रामीणों ने हाईवे भी जाम किया है, क्या आश्वासन दिया गया है? अब तो साहब हम तो सरकार के ऊपर छोड़ ही कह रहे हैं, हम तो वही मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? आपको कुछ बताया है क्या? नहीं साहब, और कुछ नहीं बताया हमने जी। धर्मवीर, धर्मवीर। हाँ जी, हादसा कैसे हुआ भैया? भैया माँ कैसे रोटी खा के आ रही थी जी। ये हादसा कैसे हुआ, किससे टकराया? ट्रक वाला देखे भाग गया है। तो वो ट्रक अभी तक पकड़ा गया है? नहीं नहीं। पुलिस इस संज्ञान में क्या कर रही है? पता नहीं साहब, 100 नंबर पे फोन लगाया था, लगा नहीं। पुलिस आ चुकी है, पर अब पुलिस आ चुकी है लेकिन अभी कोई आश्वासन का मौका नहीं दिया। तो आपने रोड जाम कर दिया, इस मामले में अब क्या कहोगे? भैया हमने ब्रिज की कई बार बोल दी, कई बार हादसा हो चुका है यहाँ पे, ब्रिज बनवा दो, खेती बाड़ी के लिए जाना होता है। ठीक है, क्या नाम था इनका? धर्मवीर नाम है। इनका क्या नाम था? ये मृतक थे। आप उनके कौन हो? लड़का हूँ। आज सर एक अज्ञात वाहन से सर एक महिला खत्म होने की सूचना मिली थी, लोगों ने जाम लगाया, क्या मामला था? ये टाउनशिप पे महिला रोड क्रॉस कर रही थी, जिसमें वो गाड़ी के चपेट में आ गई, गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। थाने में कुछ लोग आए थे, यहाँ पे जाम लगाया था, समझा बुझा के जाम को खुलवा दिया गया है। परिवार को आर्थिक सहायता के लिए, मदद के लिए ये खबर है, जो भी परिवार की आर्थिक सहायता बनती है प्रदान किया जाएगा। कोई लाइन ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर नहीं है, ट्रैफिक सुचारू चल रहा है।